तो गाइस फाइनली आ चुका है अपने इंडियन बैंक ट्रांसफर गेम का अपडेट। आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैंने प्ले स्टोर पर सर्च किया गेम का नाम एंड देखो गाइस यहां पर जो अपडेट शो हो चुका है। एंड भाई अपडेट करने के बाद मुझे देखो यहां पर क्या का देखने को मिला। गाइस यहां पर आ चुका है अपना ऑटो रिक्शा प्लस, आप लोग देख सकते हो यहां पर अपनी एक न्यू कार आ चुकी है जो कि एंडेवर है। और गाइस यहां पर देखो बस भी ऐड हो चुकी है और पता नहीं इसमें क्या क्या आ चुका है गाइस, क्रिकेट स्टेडियम वगैरह बहुत कुछ गाइस इसमें जो है ऐड हो चुका है। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं आप लोग भी गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो मेरी तरह, जैसे मैंने किया है और ऑटो रिक्शा का चीट कोड किया है और न्यू एंडेवर का कोड क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। चलो गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस देखो सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पर अपना अपडेट होने वाला है गाइस। आप लोग इतने टाइम से कमेंट करते भाई ऑटो का ऐड करवाओ, इसका चीट कोड क्या है गाइस वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, बिकॉज़ मैंने देखो यहां पर स्पॉन करा लिया एंड भाई सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त है अपने ऑटो और इसकी जो स्पीड है ना गाइस सच में एक नंबर है, मतलब भाई मस्त भागता है अपने ये ऑटो। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका चीट कोड क्या है और भाई रोड पर एनपीसी वगैरह होते हैं ना उनको भी आज मैं इस ऑटो में बैठाने वाला हूं, मतलब उनको भी सवारी कराऊंगा आज इस ऑटो की, क्योंकि भाई वो रोड पर ऐसे घूमते रहते हैं उनके पास कोई व्हीकल नहीं है। आज मैं उन्हें जो है गाइस अपने ऑटो में लिफ्ट दूंगा। और भाई साथ में गाइस आप लोग देख सकते हो यहां पर मैंने बस भी स्पॉन करा ली एंड गाइस बस सच में बहुत ज्यादा सही लग रही है एंड कितनी तो बड़ी है गाइस, आप लोग देखो यहां पर येलो कलर में बहुत ज्यादा मस्त लग रही है। आप लोग गाइस यहां पर देखिए यहां पर न्यू एंडेवर कार जो है मैंने स्पॉन करा ली है और भाई रेड कलर में देख सकते हो न्यू एंडेवर कार जो कि हमें पहले इसमें ओल्ड एंडेवर देखने को मिलती थी जिसका चीट कोड 2020। देखो भाई ये जो अपनी एंडेवर है ना ये कुछ खास नहीं है लेकिन गाइस यहां पर न्यू एंडेवर ऐड हो चुकी है, इसका चीट कोड क्या है वो आज आप लोगों को पता चलने वाला है। तो भाई ये सब कुछ गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो भाई मैं बोल रहा हूं अभी लाइक कर दो यार, वेट किस चीज कर रहे हो, फटाफट लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूं। तो भाई सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो गाइस अपना अपडेट होने वाला है वो एंडेवर कार का होने वाला है। देखो आपसे पता है जो इसमें एंडेवर कार आती है जिसका चीट कोड अपना 2020, अब जो है गाइस ये एंडेवर कार आप लोग को इस गेम में नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ गाइस ये कार जो है आप लोग इस गेम में नहीं देखने को मिलेगी, इसकी जगह पता है कौन सी कार देखने को मिलेगी गाइस, आप लोगों को देखने को मिलेगी अपनी न्यू एंडेवर, मतलब देखने को तो एंडेवर ही मिलेगी लेकिन गाइस इसका जो है न्यू मॉडल देखने को मिलेगा और जो न्यू मॉडल है सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, अपनी इस ओल्ड वाली से तो लाख गुना अच्छा है। देखो आप लोग खुद देखो यार यहाँ पर कितना सही लग रहा है अपना ये न्यू मॉडल और भाई रेड कलर में है तो ऐसा लग रहा है जैसे सुपर कार हो, बट ये अपनी नॉर्मल कार है, सुपर कार जो है नहीं है। तो भाई ये आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाली है लेकिन गाइस अपडेट जो है आप लोग गेम को अभी कर सकते हो। जी हाँ गाइस आप लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपडेट अभी कर सकते हो, कब ये वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो को देखना आप लोगों को पता चल जाएगा गेम को अपडेट करना कैसे है, तो इसलिए स्किप मत कीजिए वीडियो को। बाकी गाइस नेक्स्ट नंबर पर जो अपना अपडेट होने वाला है वो होने वाला है गाइस ऑटो का अपडेट। देखो आपसे को पता है ऑटो के आप लोग इतने टाइम से कमेंट कर रहे थे भाई, सच में आप लोग पूरे 2 मंथ से कमेंट कर रहे थे भाई हमारे लिए ऑटो को ऐड करवाइए, ऑटो को ऐड करवाइए। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो ऑटो है वो ऐड हो चुका है एंड ऑटो देखो कितना ज्यादा सही लग रहा है, ये ब्लैक कलर में है, बाकी अगर आप लोग उसको ग्रीन कलर में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर जो गाइस मैंने ग्रीन कलर में और ब्लैक कलर में दोनों ऑटो को यहाँ पर जो है स्पॉन करा के रख रखा है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग कौन सा ऑटो ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, अपने ब्लैक वाला है फिर ग्रीन वाला, मुझे तो गाइस दोनों बढ़िया लग रहे हैं। बाकी गाइस चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपना अपडेट होने वाला है ये होने वाला है गाइस, पता है किस चीज का गाइस, ये बस का अपडेट होने वाला है। देखो आपसे को बताया इस गेम में जो है काफी सारी चीजें आती है, जैसे अभी मैं आप लोगों को स्पॉन करा के दिखा देता हूँ। देखो गाइस इसमें जो अपने एक ट्रक आता है जो कि बहुत बड़ा व्हीकल है, देखो चीट कोड अपना 1212 और एक इसमें गाइस अपने ये ट्रॉली ट्रक भी आता है जिसके पीछे एक ट्रेलर होता है बहुत ही बड़ा, ये मैंने स्पॉन करा दिया है 01212 से। लेकिन गाइस देखो इसमें बिग व्हीकल काफी सारे ऐड है, जैसे जेसीबी भी ऐड है इसमें और कार्स भी ऐड है, लेकिन भाई इसमें बस एक चीज की कमी है, किस चीज की गाइस, बस की। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग जो गाइस बस को कैसे स्पॉन करा सकते हो, बिकॉज मैंने देखो यहाँ पर स्पॉन करा लिया बस और भाई बस जो है सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही है, ये येलो कलर में कराई है मैंने, बाकी आप लोग इसका कलर चेंज भी कर सकते हो। तो बस का चीट कोड क्या है अगर ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी गाइस नेक्स्ट जो अपना अपडेट होने वाला है वो होने वाला है किसका अपडेट गाइस, अपना बिग एरोप्लेन का। देखो आपसे बताया एयरपोर्ट पर जो है आप लोग काफी सारे एरोप्लेन देखने को मिलते हैं, अभी मैं आप लोग को ट्राई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो इस गेम को जो है मैंने स्टार्ट कर लिया है, सारे एरोप्लेन देखने को मिलते हैं, मतलब एक तो ये एरोप्लेन देखने को मिलता है जिसका चीट कोड है गाइस 555, मतलब उसको जो है आप लोग कहीं पर भी स्पॉन करा सकते हो। लेकिन गाइस आप लोग को जो है एक एयरपोर्ट पर ऐसा एरोप्लेन देखने को मिलता है जिसको जो है आप लोग कहीं पर भी स्पॉन नहीं करा सकते हो, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा उसको कैसे स्पॉन कराना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो गाइस मैंने उसको फ्लाई कर लिया था, मैं उसको लेके आ चुका था गाइस अपने नए वाले घर पर। लेकिन गाइस इससे पहले आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में कुछ मिथ्स दिए हैं, आप लोगों ने बोला इन मिथ्स को ट्राई करो, तो गाइस पहले इन मिथ्स को ट्राई करते हैं फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा आप लोगों को गेम को अपडेट करना कैसे है। तो चलो गाइस बढ़ते हैं अपने मिथ्स की तरफ।
भाई ने बोला है अगर आप एक बोट को स्पॉन करोगे फिर एक हेलीकॉप्टर को स्पॉन करोगे और दोनों में एक साथ एंटर करोगे, फिर उतरोगे वापस हेलीकॉप्टर में एंटर करोगे, फिर उतरोगे थोड़ी देर बाद मैजिक होगा, प्लीज टेक माय मिथ। देखो भाई ये मिथ जो है काफी ज्यादा बड़ा है, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे जो गाइस यहाँ पर एक बोट को स्पॉन कराना है, तो बोट के लिए गाइस मुझे चीट को डायल करना होगा 3001। यहाँ पर देखो बोट स्पॉन हो चुकी है, मुझे क्या करना है गाइस, मुझे जो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को स्पॉन कराना है, तो हेलीकॉप्टर का चीट कोड है गाइस अपना 8000 है। मुझे क्या करना है गाइस इन दोनों पर जो है एक साथ बैठना है, तो देखो भाई इन दोनों पर बैठ एक साथ बैठने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, तो गाइस मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। मुझे क्या करना है गाइस, अब मुझे वापस से उतरना है, तो यहाँ पर जो है मैं उतर जाता हूँ, तो देखो गाइस यहाँ पर मैं उतर चुका हूँ। अब इसने बोला है वापस से हेलीकॉप्टर में एंटर करना है फिर से, तो यहाँ पर गाइस मैं फिर से एंटर कर देता हूँ, तो देखो भाई यहाँ पर जो मैंने फिर से एंटर कर दिया है, मुझे क्या करना है गाइस यहाँ पर फिर से उतर जाना है। अब थोड़ी देर वेट करना है, देखते यहाँ पर क्या मैजिक होता है, क्योंकि इस भाई ने बोला है थोड़ी देर उतरने के बाद जो है मैजिक होगा, तो भाई यहाँ पर ट्राई करते हैं, अभी तक तो यहाँ पर कुछ भी मैजिक नहीं हुआ है। बाकी देखो यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, तो देखो गाइस यहाँ पर जो मैं उतर चुका हूँ और काफ़ी देर हो चुकी है और यहाँ पर जो है मैजिक अभी तक तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पर तो गाइस देखो अभी तक कुछ भी मैजिक नहीं हो रहा है। और भाई यहाँ पर लेकिन गाइस एक मैजिक हो चुका है, ये देखो अपना जो करेक्टर गाइस वो फंस चुका है, एंड भाई जो अपनी हेलीकॉप्टर की पंखड़ी है ना वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही, ये देखो भाई यहाँ पर जो अपनी हेलीकॉप्टर की पंखड़ी है वो अपनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वैसे तो यहाँ पर मुझे कुछ खास मैजिक नहीं लग रहा है, बाकी आप लोग बताइए कुछ मैजिक है कि, देखो हाँ अपना जो करेक्टर है वो बार बार फंस जाता है अगर मैं इनके बीच में जाता हूँ तो गाइस ये मिथ जो है ना ये आप लोग मुझे फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बताइए कन्फर्म है या फिर बस्ट है, क्योंकि ये मिथ जो है मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मेरे हिसाब से तो गाइस जब मिथ है ये बस्ट है, बाकी आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मिथ बस्ट है या फिर कंफर्म्ड है। तो चलो गाइस नेक्स्ट मिथ को ट्राई करते हैं, लेट्स गो। गाइस नेक्स्ट अपना मिथ इस भाई ने बोला है अगर हम हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करते हैं तो वो जो है गाइस ब्लास्ट नहीं होगा, तो ये रहा गाइस सामने हेलीकॉप्टर, तो ट्राई करते हैं यहां पर ब्लास्ट होता है कि भाई अपना करेक्टर जो है फंस चुका है, तो मुझे यहां पर बाहर निकलना है इससे, भाई ये पता नहीं क्यों नहीं बाहर निकला है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, मैं गेम को दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो चलाता हूँ मैं आरपीजी, मैंने आरपीजी चलाया, एंड गाइस आप लोग देखो यहाँ पर जो है सच में ब्लास्ट नहीं हो रहा है, देखो कार जो अपने ब्लास्ट हो चुकी है फॉर्चुनर, लेकिन जो अपना अपना ये हेलीकॉप्टर है ये जो गाइस यहाँ पर नहीं ब्लास्ट हो रहा है, तो गाइस जो अपना मिथ है ये सच में कन्फर्म्ड है। तो गाइस नेक्स्ट मिथ है अगर हम करेक्टर के पैंट को चेंज करते हैं तो शूज भी चेंज होते हैं, देखो गाइस यहाँ पर जो अपना करेक्टर उसने जो यहाँ पर शॉर्ट्स पहन रखे हैं और ब्लैक कलर के शूज पहन रखे हैं, मुझे क्या करना है यहाँ पर इसकी पैंट को जो है चेंज करना है, तो यहाँ पर ये लिखा शॉर्ट्स, यहाँ पर मैं करता हूँ चेंज, मैंने चेंज किए, जैसे देखो गाइस जो अपना कच्चा है वो यहाँ पर बदल लिया, लेकिन गाइस जो इसके शूज है वो अभी तक ब्लैक कलर के हैं, तो यहाँ पर मैं फिर से चेंज करता हूँ, देखो इस बार जो मैंने पैंट पहना दी अपने करेक्टर को, और भाई यहाँ पर देखो शूज जो है सच में चेंज हो चुके हैं गाइस, आप लोग देखो पहले जो है ब्लैक कलर में आ रहे थे बट गाइस अब देखो यहाँ पर जो है ग्रीन कलर के हो चुके हैं, आप लोग खुद लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो गाइस ये जो अपना मिथ है सच में कन्फर्म्ड है, तो चलो गाइस अब नेक्स्ट मिथ को ट्राई करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट अपना मिथ इस भाई ने बोला है थार में और बोट में एक साथ बैठो फिर देखो मैजिक, तो मुझे क्या करना है गाइस यहाँ पर जो है बोट पे स्पॉन कराना होगा, तो यहाँ पर गाइस मैंने फिर से बोट स्पॉन करा दिए, बोट के काफी सारे जो है मिथ दिए हैं आप लोगों ने, अब मुझे क्या करना है गाइस यहाँ पर जो है थार को भी स्पॉन कराना है, तो थार का चीट कोड अपना 9191, यहाँ पर जो गाइस मैंने थार भी स्पॉन करा दिया, मुझे क्या करना है गाइस इन दोनों पर जो है एक साथ बैठना है, तो इन दोनों पर एक साथ बैठने का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है गाइस इस थार को जो है थोड़ी साइड में लगाना होगा, इसे बढ़ा के थोड़ी चिपका कर जो है मुझे यहाँ पर जो है लगाना है अपनी इस थार को, तो यहाँ पर भाई लगा देता हूँ मैं इसको, देखो भाई यहाँ पर जो है मैंने लगा दिया बढ़िया करके, बिल्कुल इसे चिपका दिया अपनी थार अपनी पोर्ट से, मुझे क्या करना है गाइस मुझे जो थार से उतरना है और दोनों पर एक साथ बैठना है, देखो भाई यहाँ पर इन दोनों पर एक साथ बैठने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, तो करते हैं यहाँ पर मैं एंटर, मैंने एंटर किया, अब देखो भाई जो अपना करेक्टर वो थार में तो बैठा नहीं है लेकिन वो जो है गाइस बोट में बैठ चुका है, एंड जो गाइस वो बोट में कैसे बैठा है देखो उसके जो हाथ है वो कैसे हो चुके हैं, और मैं यहाँ पर कैमरा एंगल चेंज करता हूँ और कैमरा एंगल चेंज करने के बाद ऐसा व्यू आ रहा है, और भाई यहाँ पर आप लोग देखो मतलब कुछ ऐसा ही अटपटा सा मैजिक हुआ है यहाँ पर, एंड देखो भाई यहाँ पर जो अपने थार है जो गेट खुल चुका है अपने आप ही और थार के अंदर जो है कोई भी नहीं बैठा, दोबारा से मैं एग्जिट कर देता हूँ, तो भाई यहाँ पर अब मैं दोबारा से बैठने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर फिर से कुछ होता है क्या, तो यहाँ पर गाइस मैं आ चुका हूँ इसके पास में, एंड भाई यहाँ पर पता नहीं कुछ अलग अलग सीन हो रहे हैं, देखो अपना करेक्टर जो है अपने आप ही पता नहीं क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर देखो इसके जो हाथ है वो पूरे मतलब घूम चुके हैं, तो इसको जो है भाई जो है शायद मैजिक बोल रहा है, तो हाँ गाइस ये जो अपना मिथ है सच में कन्फर्म्ड है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतनी मिथ्स काफ़ी है, अब अगर आप लोग मुझे कोई बड़े से मिथ्स देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में तो भाई दे दो फटाफट, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको ट्राई कर दूंगा। बाकी गाइस चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग जो गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर गेम को अपडेट कर लिया है, और भाई ऑटो रिक्शा का वगैरह कैसे ले सकते हो चलो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखो भाई सबसे पहले बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपनी गेम की अपडेट की तरफ, गेम को अपडेट करना कैसा है। देखो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी अभी जस्ट मैंने प्ले स्टोर पर सर्च किया था गेम का नाम,
और मैंने चेक किया गाइस अभी जो अपने गेम का अपडेट नहीं आया है। जी हाँ गाइस अभी अपने गेम को जो अपडेट नहीं आया है, तो अपडेट कब तक आएगा चलो पहले मैं आप लोगों को जो है डेट बता देता हूँ। तो गाइस इस गेम को जो अपडेट है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है गाइस मई के फर्स्ट वीक में। जी हाँ गाइस मई आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसके फर्स्ट वीक में जो है आप लोगों को ये अपडेट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये चल रहा है अपना अप्रैल। और आप सबको बताया जो अप्रैल का अपडेट है वो तो ऑलरेडी आ चुका है अप्रैल में, जो कि स्टार्टिंग में ही आ गया था। लेकिन गाइस अब जो है मई का अपडेट आना बाकी है, तो मई के फर्स्ट वीक तक जो है आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगा इस गेम का। ऑटो रिक्शा वगैरह का चीट कोड क्या है और इन सभी व्हीकल्स का चीट कोड क्या है, जिन जिन के बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। देखो भाई जो ऑटो रिक्शा है वो फाइनली ऐड हो चुकी है और ऐसी है वो, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दी है। तो इसका चीट कोड क्या है गाइज वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ न्यू कार का चीट कोड मतलब इंडियावर का। देखो गाइज इंडियावर का जो चीट कोड होने वाला है वो 2020 होने वाला है, क्योंकि जो अपनी इंडियावर कार है ना ये जो इस गेम से अब रिमूव हो जाएगी। जी हाँ, इसे रिमूव हो जाएगी मतलब हट जाएगी, इसकी जगह गाइज रिप्लेस की जा रही है अपनी न्यू इंडियावर, जो कि अलग से ऐड नहीं की जा रही है, इसकी जगह रिप्लेस की जा रही है। तो गाइज जो चीट कोड रहेगा ना अपने न्यू इंडियावर कार का वो रहेगा अपना 2020। तो देखो मैं गाइज मैंने अपडेट से पहले ही आप लोगों को जो है न्यू इंडियावर कार का चीट कोड बता दिया है, जो कि होगा अपना 2020। अब बात करते हैं इस ऑटो रिक्शा क्या है, इस ऑटो रिक्शा का जो चीट कोड है वो आप लोगों को तभी पता चल पाएगा जब गेम का अपडेट आएगा। इसलिए गाइस बस थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे गेम का अपडेट आता है मैं आप लोगों को ऑटो रिक्शा का चीट कोड बता दूंगा। एंड गाइस अब बढ़ते हैं अपने किस अपडेट की तरफ, गाइस बिग एरोप्लेन के अपडेट की तरफ। देखो गाइस जो बिग एरोप्लेन है उसको जो मैंने काफ़ी टाइम चलाने की कोशिश की है, मैं एयरपोर्ट पर गया भी हूँ काफ़ी बार, लेकिन भाई मुझे नहीं चल पाता है। वो इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि अभी जो गाइस उसके कंट्रोल्स वगैरह ऐड नहीं किए हैं इस गेम के डेवलपर ने, और जैसे इसके कंट्रोल्स वगैरह ऐड होते हैं तो भाई मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी गाइस अभी जो इसके कंट्रोल्स वगैरह ऐड नहीं हुए तो अभी जो गाइस आप लोग इसको फ्लाई नहीं कर सकते हो। और गाइस नेक्स्ट अपना अपडेट होने वाला है बस का। गाइस जो गाइस जो बस है वो अभी तक इस गेम में ऐड नहीं हुई है, लेकिन हाँ बस को आप लोग ऐड करवा सकते हो। सिर्फ करना कुछ नहीं है, बस इतना सा काम करना है आप लोगों को, इस वीडियो को शेयर कर देना है और इस वीडियो में कमेंट कर देना है, बस लिख देना है, बस इतना टाइप करना है। और बस जैसी बस ऐड होती है तुरंत मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाले थे, जो बस है वो अभी इसमें ऐड नहीं हुई है, लेकिन हाँ आप लोग ऐड करवा सकते हो। और बाकी क्या क्या ऐड हुआ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और मैंने जो है गाइस आप लोगों को अपडेट की डेट भी बता दी है कि कब आएगा अपने गेम का अपडेट। तो गाइस आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे, समझ गए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन की जो घंटा है उसको भी ऑल पे सेट कर दीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ गाइस।